बच्चों आज हम आपको छठी कक्षा का पाठ पांच पढ़ाएंगे जिसका नाम है वृक्षा। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। यह पाठ वृक्षों के विषय में है, सभी बातें इसमें वृक्षों के विषय में बताई गई हैं। तो आप सुनिए ध्यान से। वने वने निवसंतो वृक्षा, वने वने प्रत्येक वन में निवसंतो रहते हैं, वृक्षा पेड़, प्रत्येक वन में पेड़ रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और क्या है, प्रत्येक वन वृक्षों की रचना करते हैं। शाखा तो लासीना विहगा, तय किमपि कुजन्ति वृक्षा। शाखा टहनी, दोला झूले, आसीना बैठे हुए विहगा पक्षी। पक्षी टहनियों पर झूलों की तरह बैठे हुए हैं। तय किमपि कुजन्ति वृक्षा, उनके द्वारा क्या वृक्ष भी कोई भी ध्वनि करते हैं। कुजन्ति में कूजना होता है, लेकिन वृक्ष के लिए क्या लगेगा, ध्वनि करना। उनके द्वारा वृक्ष भी कोई ध्वनि करते हैं। आगे देखिए बच्चों, पिबंती पवनम जलम संततम। पिबंती पीते हैं, पवनम हवा, जलम जल, संततम लगातार। साधु जना इव सर्वे वृक्षः, साधु जना सज्जन व्यक्ति, इव तरह, सर्वे सभी, वृक्षः पेड़, सभी पेड़ साधुओं की तरह सज्जनों की तरह होते हैं। पीबंती पवनम जलम संततम, वो क्या करते हैं, हवा और पानी लगातार पीते रहते हैं। स्पृशन्ति पादई पातालम च, स्पृशन्ति छूते हैं, पादई पैरों से, पातालम पाताल को, नभः शीर्षसु आकाश को, शीर्षसु उठाए रखते हैं सिर पर, सिर पर वहन्ति मन उठाए रखते हैं, वृक्षा पेड़, पेड़ यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी भी, वृक्षा पेड़। स्पृशन्ति पादई पातालम, पैरों से पाताल को छूते हैं, और शीर्षसु सिर पर आकाश को वहन्ति उठाए रखते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, कह वृक्षा पेड़ पानी रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को, अपनी परछाई को देखते हैं। पेड़ पयोमिन पानी या जल, दर्पणे दर्पण शीशा, पेड़ पानी रूपी दर्पण में अपनी परछाई को देखते हैं। कौतुकेन कैसे, आश्चर्य से, पेड़ पानी रूपी कह दर्पण में अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्रणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, पेड़ क्या करते हैं, प्रसार्य फैलाते हैं स्वच्छाया अपनी छाया, संस्रणम कह लगातार, पेड़ अपनी छाया को क्या है, संस्रणम, संस्रणम होता है बिस्तर या चादर, पेड़ अपनी छाया रूपी चादर को फैला करके कुर्वन्ति करते हैं सत्कार सभी का, सभी का आदर करते हैं। पेड़ अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर सभी का सत्कार या आदर करते हैं। तो बच्चों आज का ये अध्याय पांच पूरा हुआ, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ।